देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया है। रेलवे स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यात्रियों को यात्रा करने की अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। रेलवे की ओर से चलाए जा रहे पैसेंजर ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी से पहले जहां आरक्षित टिकट काउंटर पर टिकट लेने वालों की लंबी कतार नजर आती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। स्टेशन पर वही यात्री सफर के लिए टिकट ले रहे हैं जिन्हें सफर करना जरूरी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विगत दिनों से जिस तरह से कोरोना महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, उसी के साथ रेलवे कोविड-19 प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश का पालन स्टेशन पर करा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान मास्क, हैंड सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाकर ही यात्रा करें। रेलवे यात्रियों की सहूलियतों को देखते हुए जिन ट्रेनों की मांग थी उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलाई जा रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्री कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यात्रा से बच रहे हैं और वही यात्री सफर कर रहे हैं जिनको जरूरी काम है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस कुछ बढ़ने शुरू हुए हैं, ऐसे में कोरोना से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, वह बरतने की अपील मैं करता हूं सभी पैसेंजर्स से। उनमें 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है जब भी यात्रा करें ट्रेन से या पब्लिक प्लेस पे जाएं। एक तो मास्क का लगाना अनिवार्य है, मास्क प्रॉपरली लगाएं। दूसरा, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहें। और तीसरा जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। रेलवे यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए जिन ट्रेनों की मांग थी वो ट्रेनें आरक्षित श्रेणी में चलाई जा रही हैं और जो ये प्रोटोकॉल हैं इनका पालन करना जरूरी है उन ट्रेनों में। कुछ ट्रेनें जो अनारक्षित एक्सप्रेस के रूप में चलाई जा रही हैं उनको भी अनारक्षित एक्सप्रेस के रूप में इसीलिए चलाया जा रहा है जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन किया जा सके। अभी एक तो होली का फेस्टिवल जस्ट अभी बीता है तो लोग नॉर्मली इस तरह से प्लान करते हैं कि होली के फेस्टिवल के 1-2 दिन बाद ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। दूसरे, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हर व्यक्ति या पैसेंजर जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद समझदार है और उसको ध्यान में रखते हुए, इन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो अभी मैंने बताए हैं, यात्रा करें और आपकी यात्रा सुरक्षित हो, सफल हो, इसी की कामना करता हूँ।